अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे नेशन ब्रांडिंग के बारे में और पब्लिक डिप्लोमेसी के बारे में। ये क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, क्यों ये आजकल ज़रूरी है और पाकिस्तान को इस पे क्यों काम करना चाहिए, और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि नेशन ब्रांडिंग हेक्सागन क्या होती है, इसके जो 6 कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हैं। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और ये जो 3 लेक्चर्स की सीरीज़ होगी, ये आपके टूरिज़्म के एसे में और इसके अलावा पॉजिटिव इमेज ऑफ पाकिस्तान के एसे में, या फिर यूज़ ऑफ सोशल मीडिया फॉर प्रोलिफ्रेशन ऑफ पॉजिटिव इमेज, या फिर डिपिक्टिंग द ट्रू रियलिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, इस सब के बारे में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो ये दोनों तीनों वीडियोस आप देखिएगा और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और स्टे ट्यून्ड। तो बात करते हैं जी नेशन ब्रांडिंग के बारे में, ये कैसे इवॉल्व हुआ है। जनाब, बात ये है कि जो आपको पता ही है कि इंटरनेशनल रिलेशंस एज अ डिसिप्लिन, वो एक डायनामिक डिसिप्लिन है, वो स्टैटिक नहीं है। और यही वजह है कि पहले उसके थीम्स जो प्रीडोमिनेंट थे वो कुछ और थे, लाइक वॉर, पीस, अलाइंसेस एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जी कि न्यूक्लियर पावर्स जब से इमर्ज होना शुरू हो गई, या न्यूक्लियर बॉम्ब जब इन्वेंट हुआ है, तो उस वक्त के बाद से वॉर्स में काफ़ी कमी देखी गई है, क्योंकि अब लोग जो हैं डरते हैं कि कहीं न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए और फिर सारे लोग जो हैं वो मर जाएंगे। तो उसकी वजह से रिज़ल्ट इज़ के पीपल आर मोर ड्रॉन टूवर्ड्स ह्यूमन सिक्योरिटी, मोर ड्रॉन टूवर्ड्स अलाइंसिस और कोऑपरेशन। दे आर ऑल्सो कंसर्न अबाउट पॉजिटिव इमेज ऑफ दम सेल्व्स। ठीक है जी, तो ये नए थीम्स हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, टेररिज्म है, ये सारा कुछ है, इमेज बिल्डिंग एट्सेट्रा, आपको ये सारी चीज़ें नॉर्मल डिस्कोर्स में मिलती हैं। तो एक्चुअली ये IR के डायनामिक होने की वजह से और चीज़ों की तब्दीली की वजह से आपके पास अब नया थीम आ चुका है, नेशन ब्रांडिंग या फिर पब्लिक डिप्लोमेसी जिसको आप कहते हैं, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। और हर स्टेट का अपना एक इंटरनेशनल इमेज होता है, जिसकी बेस पे बाकी स्टेट्स जो हैं उसके साथ पॉलिसीज़ बनाते हैं। आपको पता ही है, जैसे इसराइल है फॉर एग्जांपल, इसराइल का इमेज अभी जो इस्लामिक वर्ल्ड में कुछ और है, दूसरे में कुछ और है, लेकिन उसका इमेज जो हम अपने इस्लामिक वर्ल्ड की बात करते हैं या मुस्लिम वर्ल्ड की, तो वो है जी कि एज़ एन ओप्रेसर, एज़ अ स्टेट दैट किल्स पैलेस्टीनियंस। तो हम उस लिहाज से इसराइल के साथ पॉलिसीज़ बनाते हैं। इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का इमेज कुछ जो है वो है जी वेलकमिंग, या फिर जो इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए, या इन्वेस्टमेंट सेंटर्ड कंट्री या प्रोग्रेसिव कंट्री। तो उस लिहाज से दूसरे कंट्रीज़ जो हैं उसके साथ पॉलिसीज़ बनाते हैं कि इनके साथ हमने कैसे ताल्लुकात रखने हैं। तो इंटरनेशनल इमेज आपका बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ये पिछले कई दहाइयों से चलता आ रहा है और अब इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। उसकी अहमियत क्यों बहुत ज़्यादा है, उसकी दो बड़ी वजूहात हैं। एक तो ये है कि जी विजुअल कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन है, कि जनाब हर किसी के पास इंटरनेट है और ग्लोबलाइजेशन की वजह से आपको ये नज़र आता है कि हर जगह पर आपके लोकल इमेजेस कहीं अमेरिका में, इंग्लैंड में, कहीं भी देखे जा रहे हैं। इसी तरह जो ग्लोबल इमेजेस हैं या इंटरनेशनल इमेजेस हैं, वो आपके लोकली बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहे हैं। ठीक है जी, तो एक तो ये है, दूसरा है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ विजुअल पॉलिटिक्स, के जनाब जो नज़र आ रहा है उसको पोलिटिसाइज़ किया जाए, या उससे अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अचीव करने की कोशिश की जाए, और उसकी डेमोक्रेटाइजेशन। ऐसा नहीं है कि किसी एक नेशन के पास ये टेक्नोलॉजी है या ये प्रीरोगेटिव है और बाकी सारे जो हैं वो उससे महरूम हैं, नहीं, सारों के पास है, इसलिए डेमोक्रेटाइजेशन हम इसको कह रहे हैं। एंड द रिज़ल्ट इज़ कि इन दोनों चीज़ों को अगर आप मिलाते हैं तो फिर इमेज की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बन जाती है, कि आपकी नेशन का बाहर के लोगों के पास इमेज क्या है, लोग किस तरह आपकी नेशन को देखते हैं। ठीक हो गया जी, तो अगर आप टर्म की बात करते हैं नेशन ब्रांडिंग, तो ब्रांड क्या होता है, ब्रांड इज़ अ सिंबल, अ लोगो, अ टर्म, अ कैच फ्रेज, व्हाटएवर यू मे कॉल इट, जो आपके एक यूनिक एंटरप्राइज की या यूनिक आइडेंटिटी को डेजिग्नेट करता है या फिर डिनोट करता है। ठीक है जी, तो ब्रांड जो है वो आपके एक बाबर आजम जी इस वक्त एक ब्रांड है, या फिर मोर स्पेसिफिकली उसका जो बैट है ग्रेनिकल्स, वो एक ब्रांड है। ठीक है, तो ब्रांड की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, लोग बाकी सारी चीज़ों में या बाकी सारे
जो कंपेटिटर्स हैं उन उसके अंदर उसकी एक ख़ास शख्सियत है जिसकी वजह से आप उसको पहचान सकते हैं। नेशंस में भी ऐसा ही है, सारी नेशंस जो हैं उनका कोई ना कोई ब्रांड होता है, या अगर नहीं है तो वो बनाने की कोशिश करते हैं ताकि एक फेवरेबल इमेज जो है वो पोर्ट्रे किया जा सके और लोगों का फेवरेबल पब्लिक ओपिनियन आएगा, उससे फिर इन्वेस्टमेंट भी आएगी और टूरिज्म बढ़ेगी एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इसलिए नेशन ब्रांडिंग एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये अभी की ये कोई नई टर्म नहीं है। अगर आप बात करते हैं तो ये तकरीबन 1996 में ये टर्म कॉइन की थी और फादर ऑफ नेशन ब्रांडिंग जो है वो साइमन एंड होल्ट को कहते हैं, और उन्होंने जनाब तीन प्रोसेसेस बताए थे, तीन स्टेप्स बताए थे नेशन ब्रांडिंग के, वो क्या है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल स्ट्रेटजी, आपके पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आपने ब्रांड क्या बनाना है और किस तरह का बनाना है, ठीक है जी। फिर है जी सब्सटेंस, के जो आपने स्ट्रेटजी डिसाइड कर ली है उसमें सब्सटेंस ऐड करें, उसके ऊपर वर्क करें, उसको इम्प्लीमेंट करें ताकि आप थोड़ा सा फ्यूचर में जाना शुरू करें या आप उसको इम्प्लीमेंट होता हुआ देख सकें, आप उसके असरात देख सकें। एंड थर्ड इज़ सिंबॉलिक एक्शंस, बेसिकली कि जो आपका ब्रांड नेम है या जो आप ब्रांड क्रिएट करना चाह रहे हैं उसके इन लाइन विद दैट आपके एक्शंस कौन कौन से हैं जो कि आप कर रहे हैं ताकि लोग देखें कि हाँ जी ये जो ब्रांड है वाकई ये अपने इट कम्स अप टू इट्स ओन नेम एंड इट इज़ ट्रू टू इट्स नेम, सिंपल एज दैट। ठीक हो गया जी, आगे बात करते हैं जी कि हेक्सागन नेशन ब्रांड्स हेक्सागन क्या होती है। इसके छः कंपोनेंट्स हैं, हेक्सागन के ज़ाहिर है छः कंपोनेंट्स होते हैं। तो जो साइमन एंड होल्ट साहब जो हैं उन्होंने कहा था कि जी नेशन ब्रांड्स जो हैं वो छः तरह के होते हैं या छः कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी बेस पे नेशंस के ब्रांड्स बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नेंस, कि जनाब उधर की गवर्नेंस कैसी है, अगर गवर्नेंस अच्छी है तो गवर्नेंस की बेस पे आपका ब्रांड बन सकता है। सिमिलरली एक्सपोर्ट्स, कि अगर आपकी कंट्री की एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं या फिर कोई एक यूनिक चीज़ है जो कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मार्केट डिमांड है तो नेचुरली आपका वो ब्रांड बन जाएगा। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान अगर हिमालयन सॉल्ट एक्सपोर्ट करता है और उसकी जियोग्राफिकल इंडिकेशन भी हमने रजिस्टर करवा दी हुई है तो वो हमारा एक नेशनल ब्रांड है कि जनाब हिमालयन सॉल्ट जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है, ठीक है जी। फिर है जी टूरिज़म, कि अगर आपका कंट्री टूरिज़म फ्रेंडली है और उधर टूरिस्ट प्लेसेस बहुत ज़्यादा हैं, कल्चरल हेरिटेज है, तो वो टूरिज़म की बेस पे भी आपका नेशनल ब्रांड बन सकता है। इन्वेस्टमेंट एंड इमिग्रेशन, के कोई एक ऐसी जुरिस्टिक्शन है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप लेके जाएं तो वो आपको बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, दे फैसिलिटेट यू और आपका बिज़नेस बहुत ज़्यादा फलता फूलता है, तो उस कुछ जुरिस्टिक्शन इसके लिए भी फेमस होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका या कैनेडा वगैरह वो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो हैं ब्रांड्स हैं। फिर आता है जी कल्चर एंड हेरिटेज, के जनाब आपका जो कल्चर है या आपकी जो तहजीब है वो क्या है और उसकी खसूसियात क्या थी और आपने उसको कितना प्रिजर्व किया हुआ है या लोगों के देखने के लिए या लोगों की अट्रैक्शन के लिए वो कितना अहम है। फॉर एग्जांपल इंडिया या सब कॉन्टिनेंट या पाकिस्तान, ये इधर कल्चरल जो रिचनेस है वो बहुत ज़्यादा है, यही वजह है कि कल्चरल टूरिज़म यहाँ बहुत ज़्यादा प्रमोट की जाती है, ठीक है जी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट्स पीपल, कि वहाँ के लोग कैसे हैं। अब जाहिर है कि बेशक आपका एक टूरिस्ट प्लेसेस आपके कंट्री में बहुत ज़्यादा हैं और आप इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप किया है, बट स्टिल अगर आपके पीपल फ्रेंडली नहीं हैं, लोग फ्रेंडली नहीं हैं या दे आर अलूफ, वो आपसे बात ही नहीं करते, देन इट वुड बी एन एक्सरसाइज दैट विल अल्टीमेटली फेल, ठीक है जी। तो जाहिर है जो टूरिस्ट आएंगे उन्होंने लोकल से बातें भी करनी है, लेकिन अगर लोकल उनको जवाब नहीं देते या उनको कहते हैं कि जाओ यार हमारे मुल्क से बाहर चले जाओ, आप लोग क्या इधर करने आ गए हो, तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। और इस तरह के जो है ना कोल्ड बिहेवियर से लोग बहुत ज़्यादा डिस्करेज होते हैं और यही वजह है कि पीपल जो हैं पीपल देमसेल्व्स कैन बी अ ब्रांड फॉर अ कंट्री। अभी पाकिस्तान का जो इमेज है उसमें पीपल का बहुत अहम रोल है कि जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं दे फाइंड इट के पाकिस्तान के जो लोग हैं दे आर वेरी वार्म हार्टेड, दे आर वेरी फॉरगिविंग, दे आर वेरी जेनरस पीपल इन एसेंस। तो ये थी हेक्सागन ऑफ द नेशन ब्रांड्स। बाकी अगली वीडियो में मिलेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे पब्लिक डिप्लोमेसी और कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे नेशन ब्रांड्स की। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।